सो गाइस 10 दिन 10 से 15 दिन पहले एक स्ट्रीम हुई थी PS5 के मतलब सोनी प्लेस्टेशन के चैनल के ऊपर, और उन्होंने बताया था कि वो अपना PS5 जल्दी लॉन्च करने वाले, और उधर स्पेक्स अनवील किए थे, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अनवील किया था। तो मैंने एक बुक में सारा कुछ लिख दिया है। वैसे तो 3 घंटे की पूरी स्ट्रीम थी वो, बट मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा 5 से 6 मिनट की बनेगी वीडियो, या फिर 2 से 3 मिनट की, उससे ज़्यादा नहीं बनेगी। सो गाइज वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन दबा देना। सो बढ़ते हमारी मतलब स्पेसिफिकेशन एंड स्पेक्स वगैरह के ऊपर। सो इसके जो CPU की बात करें, तो इसका जो CPU होने वाला है वो होने वाला है 3rd generation Ryzen का CPU, Zen 2 आर्किटेक्चर, एंड 7nm का प्रोसेस होगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला मतलब बहुत ही काफ़ी ज़्यादा स्पीड होने वाली है ये CPU में मतलब, और काफ़ी ज़्यादा आगे बताने वाला हूँ। अगर इस GPU की बात करें तो वो है हार्डवेयर मतलब आ सकता है पॉसिबल हार्डवेयर ट्रे ड्राइव ट्रेसिंग सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, हार्डवेयर ट्रे ड्राइव ट्रेसिंग सपोर्ट इनका GPU हो सकता है, पॉसिबल है, इन्होंने मतलब अनवील किया था, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे होता है दूसरा वाला दोस्तों कि मेमोरी की बात करें हम, तो मेमोरी आती है 16GB GDDR6 रैम की, मतलब 16GB रैम की एंड 256 बिट की। एंड अगर बात करें मेमोरी बैंडविड्थ की, सो ये है 444GB मतलब GBs है 444GB। एंड अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करें, तो इंटरनल स्टोरेज PS4 की तो 500GB थी, इसकी 825GB SSD है। एंड इसकी एक्सपेंडेबल स्टोरेज है मतलब SSD स्लॉट है, आप जितने भी हो सकते हो उतने SSD डाल सकते हो, मतलब एक SSD स्लॉट है, सो 1GB SSD भी डाल सकते हो, 2GB SSD भी, पता नहीं आगे होती है या फिर नहीं, बट होती होगी शायद से। अगर बात कर रहे हैं इसकी एक्सटर्नल स्टोरेज की, तो ये सपोर्ट करता है USB HDD सपोर्ट के बारे में, एंड ये इंक्लूड करता है चार्जिंग स्टेशन जिसमें 2 USB प्लग इन सिस्टम होगी, मतलब उधर से आप 2 डुअल सेंस कंट्रोलर चार्ज कर सकते हो। डुअल सेंस PS4 वाला डुअल शॉक था, इन्होंने नाम भी बदल दिया है दोस्तों। सो यहाँ पे अगला आता है कि Pulse 3D का वायरलेस हेडसेट आने वाला है इसमें, और वो वॉइस मतलब वॉइस कंट्रोल भी सपोर्ट करेगा, एंड Pulse 3D का ये प्रमोट कर रहे सोनी वाले उनका ही है, एंड वो लोग PS5 के साथ ये भी देंगे दोस्तों। सो यहाँ पे जो अगला आता है वो आता है कि मीडिया रिमोट भी आने वाला है अंदर, मतलब मीडिया कंट्रोल्स हो गए उस मीडिया रिमोट से, मतलब जैसे कोई आप ले सकते हो कोई टीवी केबल मतलब केबल ऑपरेटर DTH का, सो फिर उसमें भी रिमोट होते हैं और उससे ही आप चैनल बदल सकते हो। सो ऐसा ही होगा PS5 में भी, कुछ अलग सा होगा बट चैनल बदल सकते हो, ऐसा नहीं होगा आप साइड में जा सकते हो, ऐसे सब होगा, मतलब डुअल शॉक कंट्रोलर की तरह ही होगा, सॉरी डुअल सेंस डुअल शॉक मेरे PS4 में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों। सो इसके साथ ही साथ मिलेगा आपको HD कैमरा विथ 1080p डुअल लेंस, और इसमें मिलेगा ही आपको, इंक्लूडेड है इसमें। सो बहुत खुशी की बात है, यूट्यूबर्स हो तो आप मतलब आप PS4 खेलते खेलते आपका गेम प्ले रिकॉर्ड करते हो, और फेस कैम करना हो तो फेस कैम भी कर सकते हो, तो PS4 से शायद मतलब PS5 से शायद स्ट्रीम भी होगी दोस्तों। और यहाँ पे अगला आता है वो आता है मतलब ऑप्शनल है ये आपके लिए, आप लगा सकते हो अपने PS5 में ऑप्टिकल ड्राइव 4K UHD डिस्प्ले, मतलब ब्लू रे ड्राइव, एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला होने वाला है, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब 2 चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स अंदर होने वाले हैं दोस्तों। सो दोस्तों मैंने बता दी आपको बहुत ही काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस, और PS5
जल्दी आने वाला है, मतलब अभी तो ग्राउंड नहीं किया, कमिंग सून है, जुलाई टू अगस्त या फिर अगस्त टू सितंबर के बीच ही लॉन्च होगा दोस्तों। सो मैंने बता दिया आपको सारी स्पेसिफिकेशंस। सो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। सो आप भूले नहीं हो ना मेरे को, 6 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, बट आज आ चुकी है, अब रेगुलर वीडियोस आएगी, क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम था, बहुत इंटरनेट लेता है यूट्यूब एक वीडियो अपलोड करने में, बट अब डेली वीडियोस आएगी दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, मैं मिलूंगा आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।